difference between ultimate shell, penultimate shell and anti-penultimate shell. Okay, so let's get started. First is ultimate shell. Ultimate shell or valence shell. Okay, so definition होगा, the last shell or outermost shell is called as valence shell or ultimate shell. Okay, जो भी last shell रहेगा, okay, उसी को हम बोलते हैं ultimate shell. Okay, it is represented by n, small n. Okay, next is penultimate shell. The valence shell just before the cell is called as penultimate shell. Okay, जो भी आपकी valence shell रहेगी, last shell रहेगी, उससे एक पहली वाली सेल, उसको बोलेंगे पेनल्टीमेट सेल, रिप्रेजेंटेड बाय एन माइनस वन. सी द नेक्स्ट, दैट इज एंटी पेनल्टीमेट सेल. ओके, सो द सेल पेनल्टीमेट सेल बिफोर द सेल इज कॉल्ड एज एंटी पेनल्टीमेट सेल. ओके, जो भी पेनल्टीमेट सेल होगी उससे एक पहली वाली सेल, उसी को बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट सेल. ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन माइनस टू. ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेल है, डैट इज़ के एल एम एन शेल. ओके, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये है आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल. तो ये रहेगा हमारा अल्टीमेट शेल. ठीक है, दिस इज अल्टीमेट शेल. ओके, देन नेक्स्ट इज पेनल्टीमेट शेल. क्या था, द वैलेंस शेल जस्ट बिफोर द सेल. तो ये हमारी वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल, उसके एक पहली वाली सेल. ठीक है, ये रहेगी आपकी पेनल्टीमेट शेल. एंड नेक्स्ट इज एंटी पेनल्टीमेट शेल. तो ये क्या था, पेनल्टीमेट शेल के एक पहली वाली सेल. तो ये है पेनल्टीमेट शेल. ओके, इसकी पहली वाली शेल कौन सी है, ये एल शेल. तो ये रहेगी हमारी एंटी पेनल्टीमेट शेल.